हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनटेक इन्फो। फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू कमेंट आ रही है कि सर, एक ओप्पो का हैंडसेट है जो फुल्ली तरह से लॉक्ड है। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो का हैंडसेट है वो फुल्ली तरह से लॉक्ड है। वो कमेंट हमारा यूपी से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है जी। उनका नाम है बिक्की कुमार। बिक्की कुमार जी का कहना है कि ओप्पो का हैंडसेट था वो यूज करते करते वो यूज करते करते वो टेबल पर रख दिए और उनका बेटा ने फ़ोन को हाथ में ले करके उनका बेटा पासवर्ड चेंज करके छोड़ दिए। उनका बेटा छोटा है, वो कमेंट में सब बता रहे थे, तो हमारी टीम से वो हेल्प मांग रहे हैं। तो हमारी टीम ये इतना तक आई है कि उन पे एक वीडियो इस तरह से पोस्ट करेगी। जो इस वीडियो को बनाने का मौका हमको मिला है, हमारा नाम है संजीत वर्मा और मैं पिछले 10 सालों से आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करना है, घबराना नहीं है। अगर आपका भी फ़ोन, ये देखिए, ये एमआई का फ़ोन है ना, ये ओप्पो का फ़ोन है, तो अगर आपका भी फ़ोन इस तरह से लॉक्ड हो गया है, ये देखिए, 2 जनवरी है, संडे है, तो उम्मीद है कि आप लोगों का सभी लोगों का, भाइयों बहनों का, दोस्तों का, परिवारों का हैप्पी न्यू ईयर 2022 अच्छा ही गया होगा और फुल इन्जॉयमेंट रहा होगा फैमिली के साथ। तो हाँ, हमारा भी अच्छा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये ओप्पो का हैंडसेट है और ओप्पो का कौन सा हैंडसेट है मालूम नहीं, बट ओप्पो का है इतना जानता हूँ मैं। तो अगर इस तरह से आपका फ़ोन लॉक्ड हो गया है और यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉल्स ओनली, तो इसी को रिमूव करना है पासवर्ड को और फ़ोन को पहले के जैसा बनाना है ताकि आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, डॉक्यूमेंट्स गैलरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मिस सारे कुछ जो भी फ़ोन में अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप YouTube पे इसके बारे में बहुत सारे चैनल को देखे होंगे। अगर आप सर्च भी मारेंगे तो बहुत सारे आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबका ट्रिक सेम होता है, सबका ट्रिक अलग अलग होता है और किसका काम कर रहा, किसका काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो हैव आइडिया। तो आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि आप सही जगह पर हैं। आपको इसी वीडियो में लाइव देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ फ़ोन में, ये देखिए 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है फ्रेंड्स, 6 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है, जो 6 डिजिट से आज तक किसी भी फ़ोन में ज़्यादा डिजिट नहीं आया है। 6 डिजिट 4 डिजिट ही आता है, तो 6 डिजिट बहुत ही हार्ड लॉक माना जाता है फ़ोन के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मांग रहा है इंटर पासवर्ड और यहाँ पर आपको है इमरजेंसी कॉल्स, देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ स्टेप्स है। इमरजेंसी कॉल का स्टेप लेना है और आपको इस तरह से कोड डाल लीजिए, *840*912358*06*09*#। ये कोड है फ्रेंड, इस कोड पे आप इस तरह से 7 times कॉल करेंगे, 7 times, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 से ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 बार है, मैंने 8 बार कर दिया है। अब इस कोड को यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोड डालूँगा, ये देखिए *#81 और *friend3, और मैं बता रहा हूँ, ये जैसे ही मैं हैज लगाऊंगा, ये आपका जो लॉक है हट जाएगा। ये देखिए, जैसे ही हैज प्रेस करूंगा आपके सामने ये इस तरह से हो जाएगा, आप देखिएगा डिस्प्ले हट जाएगा। ये देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने जैसे ही हैज प्रेस किया, ये फ़ोन का जो लॉक लगा हुआ था वो डिस्प्ले हट गया है और आपका फ़ोन बिल्कुल ही यूज़ करने लायक बन गया है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप भी कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि
आपके पास कौन सा हैंडसेट है, आपके आपका मोबाइल इस ट्रिक से ओपन हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट करके बताइए कि जी सर मेरा मोबाइल ये इस तरह ये कोड आपके मोबाइल में काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमसे नया कोड ले लीजिए, दूसरा कोड ले लीजिए। हर फोन का अलग अलग कोड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप भी एक बार ट्राई कीजिए और हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।